हाय गाइज, आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय, यानी कि इस संप्रदाय के अंदर एक क्वेश्चन एक नंबर पक्का है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरी देखिए, आपका एक नंबर पक्का है। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के संप्रदाय, यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, मनोविज्ञानों का नाम जरूर देखता है। तो संप्रदाय और विचारधाराएँ या प्रवर्तक, इनके प्रवर्तक कौन कौन से हैं, तो अपन पढ़ेंगे इसको खास अच्छे से। और हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। मनोविज्ञान साहचर्यवादी संप्रदाय, सबसे प्राचीन संप्रदाय किसने दिया? जॉन लॉक ने। कहाँ के थे? हो इंग्लैंड के। समाजशास्त्री संप्रदाय हॉब्स ने दिया। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। ठीक है फ्रेंड्स। कृत्यवादी या कार्यात्मकवादी, प्रकार्यवादी कार्यात्मक संप्रदाय, विलियम जेम्स व जॉन डीवी। कहाँ के थे? अमेरिका के। संरचनावादी जो संप्रदाय दिया था 1879 में, मैक्समिलियन विलियम हुंट, इनका पूरा नाम है मैक्समिलियन विलियम हुंट। कहाँ के थे? जर्मनी के। इन्होंने दिया था संरचनावादी स्ट्रक्चर। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय की बात करते हैं तो ये 1900 के अंदर दिया था सिगमंड फ्रायड ने। वियना के थे, ऑस्ट्रिया। ठीक है, मनोविश्लेषणवादी बहुत इम्पोर्टेंट है सर, इम्पोर्टेंट है, तो इसको जरूर आप देखना। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय सिगमंड फ्रायड 1900 ईस्वी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, प्रयोजनवादी हार्मिक संप्रदाय है वो किसने दिया? 1908 में विलियम मैकडूगल। कहाँ के थे? अमेरिका के। कहाँ के थे फ्रेंड्स? अमेरिका के। व्यवहारवादी दिया था जॉन बॉट्स वाटसन, इनका शॉर्ट नेम है वाटसन, ज़्यादातर वाटसन ही पूछा जाता है। तो जॉन बॉट्स वाटसन कब दिया था? 1912 में। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय 1912 के अंदर तीन वैज्ञानिक थे, वर्दीमर, कोहलर और कोपका। कहाँ के थे? जर्मनी के। तो इसको समग्रवादी संप्रदाय बोलते हैं, ध्यान रखना। क्षेत्रवादी संप्रदाय 1917 को दिया था कर्ट लेविन ने, जर्मनी के थे। संज्ञानवादी जो संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट है, 1923 में जीन पियाजे ने दिया था, स्विट्जरलैंड के थे ये। आगे बढ़ते हैं। कोलंबिया संप्रदाय संबंधवादी विचारधारा व संयोजनवादी विचारधारा 1898 ईस्वी थोर्नडाइक ने दिया था अमेरिका। कहाँ के थे? अमेरिका के। उपयोगितावादी विचारधारा 1913 के अंदर दिया थॉर्नडाइक ने और अमेरिका के थे फ्रेंड्स, उपयोगितावादी विचारधारा। यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है। मानवतावादी संप्रदाय या मानवतावादी विचारधारा 1936 से 54 के बीच में अब्राहम मास्लो, कौन थे? अब्राहम मास्लो व कॉल रोजर्स। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। मानवतावादी विचारधारा किसने दी? अब्राहम मास्लो व कॉल रोजर्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सहप्रयोजनवादी, चलो छोड़ो इसको, गलत है ये। मनोभौतिकी विचारधारा 1904 में दी थी पावलाव, एक कक्ष बनाया था पावलाव ने, मनोभौतिकी विचारधारा, तो ये भी जरूर ध्यान रखना। समाजवादी विचारधारा 1963 में दी अल्बर्ट बंडूरा ने कनाडा के अंदर, यानी कि अल्बर्ट बंडूरा कौन थे? उन्होंने दी समाजवादी विचारधारा। कब दी? सन 1963। सहप्रयोजनवादी विचारधारा उद्देश्यवादी विचारधारा 1932 से 1942 के बीच में दी थी एडवर्ड चेस, टोलमैन व अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखते हैं नैतिकवादी संप्रदाय। नैतिकवादी जो संप्रदाय है 1936 में दी थी लॉरेंस कोहलबर्ग ने फ्रेंड्स। जो नैतिकवादी विचारधारा है कब दी थी? 1936 में लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के थे ये। विकासवादी जो विचारधारा है 1923 के अंदर दी थी जीन पियाजे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। प्रयोजनवादी विचारधारा 1918 में दी थी जॉन डीवी और किलपैट्रिक। कहाँ के थे? अमेरिका के। साहचर्यवादी विचारधारा दी थी 1936 के अंदर एडविन आर गूथरी, अमेरिका के थे। संरचनावादी निर्मितवादी विचारधारा 1960 में जेरोम एस ब्रूनर ने दी थी फ्रेंड्स। नव फ्राइडवादी विचारधारा 1952 के अंदर दी थी इरिक इरिक्शन। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। मनोसामाजिक विचारधारा इम्पोर्टेंट है, 1952 के अंदर दी थी इरिक्स इरिक्शन, ऑस्ट्रेलिया। विश्लेषणवादी की बात करते हैं तो विश्लेषणवादी यानी किसी भी चीज़ को विश्लेषित तरीके से करते हैं, तो कब दी थी? 1935 के अंदर कॉलर जुंग। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। नव मनोविश्लेषणवादी विचारधारा दी थी 1935 के अंदर कार्ल जुंग व करेक हार्नी। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। व्यवहारवादी विचारधारा कब दी थी? 1912 में जे बी वाटसन, अमेरिका के थे।
मनोसांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक और संज्ञानात्मक सामाजिक विचारधारा दी थी लेव सिंकोविच वाइगोत्स्की की। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये थे रूस से। अनुभववादी विचारधारा ब्रिटिशकालीन मनोविज्ञान ने दी थी अनुभव एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अच्छी तरह से दो तीन बार देखिए आप, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट यही है। नैतिकवादी, विकासवादी, नव मनोविश्लेषणवादी विचारधारा, व्यवहारवादी और अनुभववादी। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है और आपको इसको अच्छे से देखना है और दो तीन बार रिविजन करना है इसमें, एक क्वेश्चन पक्का और टिक मार देना आप। तो इसी तरह की वीडियो लाते रहता हूँ फ्रेंड्स मैं, और आप चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें और आप ऐसे प्यार बनाए रखें। तो मिलते हैं दोस्त फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आप मेहनत करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी फ्रेंड्स। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली बार।